यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे आप सब लोग बेटर। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो है वो अभी हमारे पेपर नंबर 2 कॉमर्स का जो है और साथ में मैनेजमेंट का भी उसके लिए जो है वो MCQ सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो अभी तक 20 क्वेश्चन जो है वो वैसे इनफैक्ट 22 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि 11 का प्रसाद सीरीज जो है वो चल रही है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं 11 क्वेश्चन, 10 तो हम क्लासरूम में करते हैं और एक होता है अपना होमवर्क का। तो अभी तक 2 लेक्चर हम उस पर लगा चुके हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, FDI के शानदार क्वेश्चन जो है वो आज हम लेके आए हैं, बहुत ही बढ़िया एग्जाम ओरिएंटेड, बहुत ही एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है वो है, तो उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्लासरूम के अंदर। वही पैटर्न है, सेम पैटर्न, वही 11 क्वेश्चन जो है वो आज के क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से 10 मैं यहां करवाऊंगा और एक होमवर्क के तौर पर, जिसको आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, हां जी सर, तो बिना किसी देरी के आइएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे MCQ सीरीज नंबर 3, जिसके अंदर टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, FDI का। चलिएगा जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो क्वेश्चन आता है आपके मोबाइल स्क्रीन पर वो है ये, बोलता है बोथ FDI एंड FII, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, आर रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट इन ए कंट्री। ये दोनों के दोनों जो है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ में, इन्वेस्टमेंट इन ए कंट्री के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग FDI एंड FII, इनमें से ये चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है रिगार्डिंग FDI एंड FII। ठीक है, देखो, एक तो FDI हो गया, बाहर से अगर पैसे इंडिया के अंदर आ रहा है कंट्रोल पर्पस के लिए तो उसको बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है FII, जब बल्क के अंदर पैसा आता है, मान लो अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है, किसी एक ही, कोई एक या दो इन्वेस्टर बहुत बल्क के अंदर मान लो अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, लार्ज लेवल के जो होते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों है तो बाहर से पैसा आ रहा है तो मतलब फॉरेन कैपिटल है, उनके बारे में कुछ बातें यहां पे बोली गई है, उनमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे पहले नंबर पे बोलते हैं बोथ द FDI एंड द FII ब्रिंग्स कैपिटल इनटू द इकोनॉमी, क्या दोनों की वजह से कि बाहर से पैसा इंडिया में आता है क्या? यस सर, बिल्कुल आता है, तो करेक्ट है। दूसरा, FII इन्वेस्ट इन द टेक, FII इन्वेस्ट करते हैं इन द टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एंटरप्राइज, के ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। FII का कोई ऐसा ये क्राइटेरिया थोड़ी कि वो ओनली टेक्नोलॉजी वालों में लगाएगा या FDI वाला जो है वो ट्रेडिशनल लगाएगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। जो ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एंटरप्राइज में जनरली पैसा लगाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग वेंचर कैपिटलिस्ट, दोज आर नोन एज वेंचर कैपिटलिस्ट, नोट द FII, ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, गलत है। सर, दोनों को डिस्कस कर लें एक बार, आइएगा। द रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ द FDI आर लोअर, अगर बाहर से अगर कोई पैसा FDI के तौर पर आता है तो उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, वो सेबी का साथ में RBI का, वो बहुत ही कम है किसके कंपैरिजन में, FII। तो FII के तौर पे अगर बाहर से पैसा आएगा तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द FDI, तो ये तो एकदम करेक्ट है। दूसरा, FDI इज कंसीडर्ड टू बी मोर स्टेबल, बिल्कुल सही बात है जी, FDI आता है कंट्रोल पर्पस के लिए, FDI के पीछे का लॉजिक रहेगा क्या, लॉन्ग रन फिनोमिना, तो FDI जो है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि FDI के तौर पे अगर बाहर से कैपिटल आई तो वो हमारे पास लंबे समय तक रहती है, जबकि अगर बात करूंगा मैं किसका, FII का, तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि उनका प्रॉफिटेबिलिटी मोड रहेगा और जैसे उनका प्रॉफिट होगा तो वो सारा पैसा निकाल के ले जाएंगे, तो ये भी जो है वो क्या है, सही है। तो आंसर जो है वो क्या, बी। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री विल नाउ हैव टू डिसाइड ऑन द FDI प्रपोजल, अगर मान लो बाहर से कोई पर्सन जो है वो इंडिया के अंदर पैसा लगाना चाहता है तो पहले बाहर वाले पर्सन को, बोले तो फिरंगी को, इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजना पड़ता है और फिर इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर देती है उसको अप्रूवल, देन वो बाहर वाला पर्सन जो है वो इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। एज पर द UPA गवर्नमेंट जो है वो पहले वक्त बोल लगता था बहुत ज्यादा, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई तो मोदी गवर्नमेंट ने जो है इसके टाइम पीरियड को थोड़ा शॉर्टन कर दिया ताकि बाहर से ज्यादा पैसा जो है वो इंडिया के अंदर आ सके। हम एक वर्ड पढ़ते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है मोदी गवर्नमेंट इस कैंपेन के ऊपर जो है वो चल रही है कि जितना हो सके हम लोग जो है वो फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएंगे और हमारे यहां के जो एंटरप्रेन्योर है या फिर बाहर के एंटरप्रेन्योर जो इंडिया के अंदर आके काम करना चाहते हैं उनको हम लोग जो है वो क्या करेंगे, काम करने में बहुत ही आसानी करवाएंगे। तो इस टाइम पीरियड को थोड़ा शॉर्टन कर दिया। 2017 के अंदर जो हमारे फिनांस मिनिस्टर थे उस टाइम पे, अब तो वो एक्सपायर हो चुके हैं, अरुण जेटली जी, तो उन्होंने जो है वो क्या किया, इस टाइम पीरियड को, इस टाइम स्पैन जो था उसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया, और टाइम स्पैन को कम कर दिया, कितना कर दिया, 60 दिन, कितना, 60, तो आंसर आएगा क्या, 60 दिन। इसका मतलब अगर बाहर से कोई भी फिरंगी अगर इंडिया के अंदर आकर के कोई भी FDI लगाना चाहता है तो उसको अप्रूवल पहले लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री से और मिनिस्ट्री को 60 डेज के अंदर जो है या तो वो अप्रूव कर देगी या फिर डिनाई कर देगी। तो टाइम पीरियड को शॉर्टन करके कितना कर दिया, 60।
चलो 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 आगे, थर्ड क्वेश्चन, विच इंडेक्स डिड इंडिया रैंक 16th ऑन द अप्रैल 20th 2019। इंडिया का जो रैंकिंग जो है वो 2019 के अंदर जो है वो 16वें नंबर पे है, किस इंडेक्स में? अगर हम बात करते हैं ये 16वें नंबर पे जो इंडिया का इंडेक्स है, ये है आपका FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स। ये एक कंपनी है, जैसे मान लो आपकी रेटिंग एजेंसीज है, आइक्रा होगी, केयर होगी, क्राइसिल होगी, मूडी होगी, फिच होगी, उसी तरीके से जो है वो एक एजेंसी है जो FDI के ऊपर जो है वो इंडेक्स बनाकर जो है वो देती है और कंट्रीज की क्या करती है, रैंकिंग करती है। उस कंपनी का नाम जो है वो है क्या, एड केयर ने FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स। तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है वो 2019 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो है वो इंडिया का जो रैंक है वो कौन से नंबर पे है, 16वें नंबर पे है। एक टाइम ऐसा भी था कि इंडिया 9वें नंबर पे था, लेकिन अब इंडिया जो है थोड़ा पिछड़ के और वो 16वें नंबर पे आ गया। ये इंडेक्स बेसिकली है क्या, इसके अंदर जो है ये इंडेक्स बेसिकली ये बताएगा कि बड़ी बड़ी जो लार्ज कंपनीज है उनके CEO जो है उनकी कौन सी पसंद, कौन सी कंट्री पहली पसंद है जहां पर जाके वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो इसमें पहले पायदान पर जो है वो है जी आपका USA और 16वें नंबर पे जो है वो है क्या आपका इंडिया। ओके हाँ जी सर, थोड़ा सा बता देते इसके बारे में, मैंने लिखा है, आइएगा दिखा देता हूं। द FDI इन्वेस्टमेंट इंडेक्स, बोलते FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स बोलते हैं जिसको, प्रिपेयर्ड बाय द एट ये कियरनी इज एन एनुअल सर्वे विच टेक द इंपैक्ट ऑफ द लाइकली पॉलिटिकल, जिसके अंदर जो है वो बताया जाएगा कि इंपैक्ट बताया जाएगा किसका, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड द रेगुलेटरी चेंज ऑन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंटेंशन एंड द प्रेफरेंस ऑफ द CEO CFO एंड अदर टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ ग्लोबल 1000 कंपनी। जो ग्लोबल लेवल की जो 1000 कंपनी है उनके CEO से हमने जो है वो क्या करते हैं, यहां से डेटा इकट्ठा किया जाएगा और उनके बेस पर जो है वो कंट्रीज की क्या की जाती है, रैंकिंग, की वो जो CEO है अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज के, ग्लोबल कंपनी के, वो किस नेशन में जाके सबसे ज्यादा खुश है। तो उसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट दी गई उसको बोलते हैं हम लोग क्या, FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स। और उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंकिंग है वो करंट में वो कौन सा चल रहा है, 16वें नंबर पे, और जबकि अगर मैं बात करूंगा किसका, US का, तो US कौन से पे, पहले नंबर पे है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज रेज FDI लेवल इन द ब्राउन फील्ड फार्मा। देखो दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होता है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड। आपका ग्रीन फील्ड का मतलब क्या है कि अगर बाहर वाला बंदा इंडिया में आकर नए सिरे से काम करेगा, डेट इज नॉन द ग्रीन फील्ड। और अगर बाहर वाला बंदा इंडिया के अंदर आकर के जो है वो किसी इंडियन कंपनी के साथ में मिलकर के एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में ही काम करेगा, डेट इज नॉन द ब्राउन फील्ड। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है जब नया FDI का पॉलिसी बनाया तो उसके अंदर जो है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड फार्मा, मतलब फार्मास्यूटिकल के अंदर जो है ग्रीन फील्ड को अलग किया गया, ब्राउन फील्ड को अलग किया गया। ग्रीन फील्ड के अंदर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया बाहर वाला कभी भी आ सकता है, पैसा लगाए यहां पे 100% लगा सकता है और वो भी ऑटोमेटिक रूट से, आपको गवर्नमेंट से जो है परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ब्राउन फील्ड की अगर मैं बात करता हूं तो ब्राउन फील्ड के अंदर गवर्नमेंट ने जो है वो रूल बनाया कि बाहर वाला बंदा इंडिया में आके 100% तक पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, बोल तो 100% FDI अलाउड है, लेकिन 74% तक तो आप ऑटोमेटिक रूट से आ सकते हैं, लेकिन 74 के अगर बियॉन्ड जाना है, बाकी का 26% और FDI अगर करनी है आपको, तो उसके लिए पहले आपको गवर्नमेंट रूट का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो है वो है क्या, 74, क्या है जी, 74 मैंने लिखा है इसके बारे में थोड़ा सा। फार्मास्यूटिकल के केस के अंदर जो है वो क्या होता है, एज पर द फार्मास्यूटिकल केस में ग्रीन इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया, वन इज अ ग्रीन फील्ड, अनदर वन इज अ ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड में कितना अलाउड है, 100% अलाउड है, एज कौन से रूट से, रूट कौन सा है जी, ऑटोमेटिक रूट। वही अगर मैं बात करूंगा किसका, ब्राउन फील्ड का, तो ब्राउन फील्ड में भी कितना अलाउड है, 100 अलाउड है, कैसे, अप टू 74% तक तो ऑटोमेटिक, एंड बियॉन्ड 74 जो है वो क्या है, गवर्नमेंट रूट है। ओके हाँ जी सर, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है, यूनियन गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 20 जून 2016 को चेंज कर दिया FDI पॉलिसी को, बिल्कुल किया था जी, विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग मेजर इंपेटस टू द एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब क्रिएशन। इंडिया के अंदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट और जॉब को क्रिएट करने के लिए जो है, देखो अगर बाहर से पैसा जितना ज्यादा आएगा तो उससे होगा क्या, अपने इंडिया के अंदर जॉब क्रिएशन होता है, क्योंकि बाहर वाले लोग जब इंडिया के अंदर आके पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो नेचुरल बात है प्रोडक्शन होगा, जब प्रोडक्शन होगा तो फिर लेबर कौन सी होगी, बाहर से लेबर थोड़ी आएगी, लेबर तो अपने इंडिया वाले काम आएगी, तो इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बोले तो इंडिया का GDP भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो क्या बोला गया, FDI बियॉन्ड द 49% डिफेंस सेक्टर के अंदर जो है वो बियॉन्ड द 49% वाज अलाउड, उसको अलाउ किया गया। पहली बार डिफेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में डिफेंस सेक्टर के अंदर जो है वो क्या है, आओ दिखाते हो, डिफेंस सेक्टर में 100% FDI जो है वो क्या है, अलाउड है। बट गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि 49% अगर आप डिफेंस की किसी कंपनी में पैसा लगाते हो तो ऑटोमेटिक रूट से लगा सकते हो, अगर 49 के बियॉन्ड जाओगे लगा सकते हो, बट वो जाओगे किस रूट से, गवर्नमेंट रूट से, किस रूट से, गवर्नमेंट रूट से। तो डिफेंस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कितना, 100% FDI अलाउड है, अप टू 49 ऑटोमेटिक रूट, बियॉन्ड 49 गवर्नमेंट रूट। ओके हां जी सर, तो ये इसका आंसर जो आएगा वो है क्या,
क्वेश्चन क्या था कि यूनियन गवर्नमेंट ने एफडीए इसके अंदर डिफेंस सेक्टर के अंदर जो है 49 के बियॉन्ड क्या किया, तो सर 49 के बियॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अप्रूवल रूट। ये जो गवर्नमेंट रूट है ना, गवर्नमेंट रूट, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अप्रूवल रूट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिप्लेस मॉरिशियस। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसा जो एफडीआई के तौर पे आ रहा था वो आ रहा था पहले मॉरिशियस से, लेकिन 2019 के अंदर जो है एक कंट्री ऐसी जिसने छलांग मारी और मॉरिशियस को जो है वो क्या कर दिया, पछाड़ दिया, वो कौन सी ऐसी कंट्री है, उस कंट्री का नाम है सिंगापुर। आज के डेट में सबसे ज्यादा एफडीआई के तौर पे पैसा जो आ रहा है वो आ रहा है कहां से, सिंगापुर रूट से। विच कंट्री हैज रिप्लेस मॉरिशियस, विच कंट्री जिसने रिप्लेस कर दिया मॉरिशियस को एज अ टॉप सोर्स ऑफ द एफडीआई इनटू इंडिया अकॉर्डिंग टू डीपीआईआईटी। पहले हमारा एक डिपार्टमेंट हुआ था डीपीआईटी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, अब उसकी जगह पे जो है उस डिपार्टमेंट को हमने क्या बना दिया, डीपीआईआईटी बना दिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर काम करता है। और उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है अब फर्स्ट कंट्री जहां से सबसे ज्यादा एफडीआई आ रही है इंडिया के अंदर वो कौन सी है, सिंगापुर। कौन सा, सिंगापुर। चलो जी आगे बढ़ते हैं, एफडीआई अप टू, एफडीआई अप टू कितना परसेंट तक ऑफ नाउ परमिटेड इन द ई कॉमर्स कंपनी प्रोवाइडेड सच फर्म एंगेज इन बी टू बी ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो एफडीआई को क्या कर दिया, 100% अलाउड कर दिया, और वो भी कैसा, ऑटोमेटिक रूट से। तो मैंने लिखा इसके बारे में थोड़ा सा, ई कॉमर्स एक्टिविटी के अंदर जो है वो क्या 100% एफडीआई अलाउड है बाय द ऑटोमेटिक रूट। तो क्वेश्चन ये बोलते हैं कि अप टू व्हाट परसेंट, कितना 100% जो है वो एफडीआई जो है वो क्या है, अलाउड है जी आपका। चलो जी आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एफडीआई, इनमें से कौन से तरीके का एफडीआई इंक्लूड क्रिएशन ऑफ द न्यू एसेट एंड प्रोडक्शन फैसिलिटी इन द होस्ट कंट्री। देखो पहली बात तो मैं बता दूं आपको, देर आर टू टाइप ऑफ कंट्री, वन इज अ होस्ट कंट्री, अनदर इज अ होम कंट्री। मैं इंडिया का हूं तो इंडिया इज माई होम कंट्री, एंड मैं जिस कंट्री के अंदर जाके अपना बिजनेस करना चाहता हूं डेट कंट्री इज नोन एज अ होस्ट कंट्री। ओके, हाँ जी सर। तो बोलता है ये कौन से तरह का एफडीआई होगा जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, क्रिएट करते हैं क्या, नई नई एसेट एंड प्रोडक्शन फैसिलिटी इन द होस्ट नेशन में जाकर के, ऐसा कौन सा बिजनेस होगा, कौन सी एफडीआई होगी, तो वो जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रीनफील्ड। क्या बोलते हैं, ग्रीनफील्ड, जहां पे नई नई एसेट्स के अंदर हम पैसा लगाते हैं डेट इज नोन एज ग्रीनफील्ड, और जहां पे एग्जिस्टिंग के अंदर लगाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्राउनफील्ड। तो आंसर जो रहेगा इसका वो क्या रहेगा आपका, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। चलो जी आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ द अरविंद मायाराम कमेटी ओन द रेशनलाइजिंग द एफडीआई एफपीआई डेफिनेशन। एफडीआई और एफपीआई का डेफिनेशन जो है इसको रिवाइज किया गया 2016 के अंदर दोबारा जाकर के, और उसके अंदर जो है कुछ रिकमेंडेशन आई थी, वो रिकमेंडेशन कौन कौन सी है वो अपने को देखना है, और कौन कौन सी नहीं है वो बताना है। तो अपना क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से कौन सी रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले अगर बात करता हूं, फॉरन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10% ऑफ मोर, आपको मैंने बता रखा है क्लासेस के अंदर, अगर मान लो बाहर से कोई पैसा जो है वो आपकी इंडिया की किसी कंपनी में आ रहा है और कितना 10% या उससे ज्यादा आ रहा है, तो डेट इज नोन एज एफडीआई, 10% से कम है तो उसको क्या बोलते हैं, एफपीआई। बिल्कुल सही बात है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10% और मोर इन द लिस्टेड कंपनी विल बी ट्रीटेड एज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, इन ए पर्टिकुलर कंपनी, एक पर्टिकुलर कंपनी में एन इन्वेस्टर कैन होल्ड द इन्वेस्टमेंट ईदर थ्रू द एफपीआई रूट और अंडर द एफडीआई रूट बट नॉट बोथ। या तो एफडीआई रूट से लगाओगे या एफपीआई, ऐसा नहीं है कि आपने 10% तो लगा दिया एफपीआई रूट से, उसके बियॉन्ड जाके आप लगाते हो एफडीआई, ऐसा नहीं, या तो एफडीआई चलो या एफपीआई चलो। चलो जी आगे, एनी इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर विच इज लेस देन द 10% ऑफ द पोस्ट इशू पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी शैल बी ट्रीटेड एज अ एफपीआई। बिल्कुल सही बात है सर, अगर 10% होता है या उससे ज्यादा होता है तो उसको एफडीआई मानते, लेकिन ये 10% से क्या है, कम है, तो उसको क्या मानते हैं, एफपीआई। ये भी ओके है। नेक्स्ट, ओन एनआरआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, अगर मान लो अपने इंडिया का कोई भी नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है कहां पे, इंडिया में, तो कमेटी रिकमेंडेड ट्रीटेड नॉन पेबल इन्वेस्टमेंट एज अ एफडीआई। तो बाहर से अगर मान लो कोई भी एनआरआई अगर इंडिया के अंदर कोई पैसा जो है वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, तो क्या उसका एफडीआई माने, क्या बात करते हो। उसके लिए पहले अपने को क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा कि कितना पैसा आया, 10% या उससे ज्यादा आया तो मानेंगे एफडीआई, अनलेस एफपीआई। तो ये जो है वो क्या है, गलत है। तो आंसर जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा, डी, क्योंकि आपको बताता है कि इनमें से कौन सा इसका रिकमेंडेशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज डी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है वो है ये, बोलता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द एफडीआई अंडर द ऑटोमेटिक रूट। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से। सबसे पहला, एफडीआई इन इंडिया अंडर द ऑटोमेटिक रूट डज नॉट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल। अगर मान लो एफडीआई इंडियन गवर्नमेंट अलाउ कर दिया ऑटोमेटिक रूट से, तो उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल
सही बात है, उसके लिए प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिड नॉट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ईदर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द आरबीआई, सही बात है। दूसरा, इन्वेस्टर्स आर ओनली रिक्वायर्ड टू नोटिफाई, जो इन्वेस्टर्स होगा ठीक है उसको लिए जरूरी, बस हमने ये कर दिया कि आपको नोटिफाई करना पड़ेगा, कोई भी पैसा अगर आप इंडिया में लगा रहे हो तो आपको पहले नोटिफाई करना पड़ेगा कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस ऑफ द आरबीआई को बिफोर रिसीप्ट ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंसेस, अगर उसको कोई भी इनवर्ड रेमिटेंसेस मिलती है तो उसको पहले नोटिफाई करना पड़ेगा, और जिस इंडियन कंपनी के अंदर पैसा लगाया जा रहा है वो इंडियन कंपनी जब उसको शेयर एलोकेट करेगी तो उससे पहले हमको जो है वो आरबीआई को नोटिफाई करना पड़ेगा कि जी हम इनको पैसा जो है या शेयर एलोकेट कर रहे हैं, मतलब अप्रूवल की जरूरत नहीं है लेकिन आपको नोटिफिकेशन एटलीस्ट जो है वो गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। तो बोलते हैं इन्वेस्टर्स आर ओनली रिक्वायर्ड टू नोटिफाई द कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ द आरबीआई बिफोर रिसीप्ट ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस एंड फाइल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विद दैट ऑफिस बिफोर द इश्यू ऑफ द शेयर टू द फॉरेन इन्वेस्टर, बिल्कुल सही बात है जी, अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट के पास ये रिकॉर्ड हो कि भाई इसी फलानी कंपनी के अंदर जो है वो इतने इतना पैसा जो है वो बाहर के लोगों का लगा हुआ है। हाँ हम अलाउ कर रहे हैं बट कम से कम हमारे पास में जो है वो आपका रिकॉर्ड तो होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, तो करेक्ट कोड जो है उसका वो है कौन सा, बोथ वन एंड टू। ओके हाँ जी, और आज का आखिरी क्वेश्चन प्रसाद के तौर पर मिलता है आपको, ये जो आपको बताना है अपना कमेंट करके कि क्या है सही इसका आंसर। क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द एफडीआई इज ए कोऑपरेटिव एग्रीमेंट बिटवीन द फर्म, कोऑपरेटिव एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट कहां पे होता है वो आपको बताना है, एक्विजिशन में, अलायंस के अंदर, जॉइंट वेंचर में या फिर मर्जर के अंदर, तो ये आपको बताना है। जनरली वैसे मेरे बच्चे जो है वो बता पाएंगे, सेकंड नेचर का था ये, चलो आप देख लेना एक बार क्या है ये, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर जो है वो क्या होगा। ओके हां जी, और अब बारी आती है हमारे कल वाले क्वेश्चन की। कल का जो हमारा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर हमने पढ़ना था क्या, विच वन इज नॉट द फॉर्म ऑफ द एफडीआई, इनमें से कौन सा जो है वो एफडीआई का फॉर्म नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ एफडीआई, एफडीआई की बात हो रही है तो एफडीआई क्या कौन सा फॉर्म नहीं है, एफडीआई का नहीं है तो मतलब एफपीआई का होगा। ओके तो परचेज ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट्स इन द फॉरेन करेंसी होता है, न्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्लांट के अंदर लगाया होता है, मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड सिक्योरिटी मार्केट का पार्ट है जी, ये एफडीआई नहीं है क्योंकि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है बेसिकली। तो ये जो पैसा जो है आपका ये पार्ट है किसका, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स का, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द एफडीआई, द करेक्ट आंसर इज अ सी। और मैंने बहुत देखा और बहुत खुशी भी मिली कि बच्चों का जो इसका आंसर जो बच्चों ने किया वो मेजोरिटी सबका सही, एकदम करेक्ट, लगभग आंसर जो है वो सी था। सुचित्रा जी का सी ओके है, योगेश सी ओके है, मनोज साहू ओके है, और शगुना सी ओके है, शोएब आलम जी का सर जी 2020 का क्वेश्चन बनाए ना देखेंगे, प्रिया चोपड़ा जी का सी ओके है, मोनिका कुमारी का सी ओके है, शुभम गुप्ता का सी ओके है, ओके और हीना जी का सी ओके है, लवलीन जी का सी ओके है, मंजुला सी ओके है, अनीता जी का सी ओके है, राहुल शर्मा ओके, इस्माइल शेख ओके, शशि ओके और कार्तिकेश्वर प्रधान ओके, सस्मिता साहू ओके, सुप्रिया मित्तल का डी गलत, सुप्रिया जी सी आएगा ओके, रवि मोदी जी का सी ओके है, और पूनम मोटवानी जी का सी ओके है, अर्चिता का सी ओके है, श्री लक्ष्मी पांडा जी का सी ओके है, सृष्टि राजन का सी ओके है, प्रियंका वस्त जी का सी ओके है, शीला स्वामी जी का सी ओके है, अभिषेक कुमार यादव जी का ओके, राहुल राजपुरोहित जी का ओके, पूजा कुमारी का ओके, संगीता मोर का ओके, मेजोरिटी जितने जितने हैं वो सबका ओके है, अगर किसी का नहीं है तो प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर इज द सी। ओके क्योंकि वो जो म्यूचुअल फंड वाला है वो एफपीआई का पार्ट है, इज नॉट द पार्ट ऑफ द एफडीआई। ओके हाँ जी सर, लो जी आज का लेक्चर हो गया हमारा फिनिश, कल मिलेंगे हमारे नए 11 क्वेश्चंस के साथ में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, और जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया उसको तो आपको कमेंट हर हाल में करना ही करना है, ठीक है ना। हाँ जी, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे हम डालेंगे नई वीडियो कल तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और आपकी रिवीजन और भी हो जाए स्ट्रॉन्ग। ओके और अच्छा लगा तो बेल आइकन पे क्लिक भी कीजिएगा, ठीक है, और साथ में जो है वो लाइक भी कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। ओके हाँ जी सर, चलो ये कीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।